नमस्कार दोस्तों, एक फार्मर भाई ने बहुत ही बढ़िया कमेंट किया कि वो बेल ड्रिंकर, ऑटो ड्रिंकर लें या फिर निप्पल ड्रिंकर लें। तो दोस्तों, मैंने एक साल जो है ओपन फार्मिंग जब किया तब मेरे पास में ऑटो ड्रिंकर ही हुआ करते थे। तो दोस्तों, मैंने वो वाली फार्मिंग भी की है, ऑटो ड्रिंकर से फार्मिंग की है और निप्पल ड्रिंकर से भी फार्मिंग मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं जितने भी फार्मर भाई हैं जो ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनका मैं पहले डाउट दूर कर दूँ कि चाहे आप बेल ड्रिंकर यूज़ कर रहे हो चाहे निप्पल ड्रिंकर यूज़ कर रहे हो, पानी की कमी किसी में नहीं होती। क्योंकि आप देख रहे होंगे ऑटो जो बेल ड्रिंकर जो भी फार्मर भाई यूज़ कर रहा है वो 10,000 कैपेसिटी, 12,000, 15,000 तक कैपेसिटी तक यूज़ कर रहे हैं। किंतु जब निप्पल ड्रिंकर की अगर हम बात करें तो एक एक फार्म में मैंने 25-25,000 बर्ड देखे हैं, एक साथ देखे हैं। तो दोस्तों, वो 25-25,000 अगर एक साथ में अगर पल रहे हैं तो, और निप्पल सिस्टम पर पल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी निप्पल में। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं निप्पल की बढ़ाई करूँ, मैंने निप्पल सिस्टम लगा रखा है तो आप भी निप्पल सिस्टम लगाएं। दोस्तों, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस जो है कि पानी की कमी होती है बर्ड में, कि ऑटो ड्रिंकर में पेट भर के पानी पीता है वो निप्पल में पानी पेट भर के नहीं पीता, ऐसा नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो हर फार्म में बच्चे जो है पानी की कमी से मरते, किडनी सूजी हुई रहती या इकोला जाती है, दूसरी कोई समस्या आती। तो दोस्तों, मैं आपका पहला डाउट दूर कर दिया है कि चाहे आप निप्पल सिस्टम लगाएं चाहे ऑटो ड्रिंकर लगाएं, दोनों में पानी बढ़िया तरीके से बर्ड पीता है। किंतु आप दोनों में जो मेन डिफरेंस मैं आपको बताऊं कि पहले हम ऑटो ड्रिंकर की बात कर लें, उसके बाद में फिर हम निप्पल ड्रिंकर की बात करेंगे। ऑटो ड्रिंकर दोस्तों अभी मेरे पास में उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं उसको हाथ में लेके मैं आपको बताता कि वो उसकी समस्याएं क्या क्या है, उसकी खासियत क्या है। तो दोस्तों, पहली मैं उसकी एक ही खासियत में मानूंगा, बाकी दो चीज़ें मैं उसकी समस्या ही मानूंगा। पहली जो उसकी खासियत ये है कि उसके अंदर पानी गर्म नहीं होता। अगर हम ओपन फार्मिंग अगर हमारे पास में है, ये मैं इसी फार्मिंग के साथ में नहीं, मैं ओपन फार्मिंग अगर है तो वहाँ पर जो है ऑटो ड्रिंकर जो है वहाँ उसमें गर्मी के समय में पानी गीला जो है गर्म नहीं होता। किंतु उसकी जो समस्या है वो मैं आपको बताऊं कि एक तो वो स्पेस लेता है। अब मान लीजिए कि बेल ड्रिंकर जो है इस फीडर की साइज का है, तो अब देखिए ये फीडर जो है करीब 1 फीट बाय 1 फीट का है। तो दोस्तों, अगर मान लो इस फार्म में मेरे अगर 150 अगर ड्रिंकर लगे होते, तो 150 अगर ड्रिंकर लगे होते तो स्वाभाविक सी बात है जो जहाँ 4200 square feet एरिया है मेरा, वहाँ पे मेरा एरिया जो है 150 square feet कम हो जाता। क्योंकि वो जो बेल ड्रिंकर है वो भी तो स्पेस लेते हैं, अब वो स्पेस लेते हैं तो उसके कारण जो हमारे फार्म का स्पेस भी तो कम हो रहा है, जो स्क्वायर फीट एरिया है वो भी तो कम हो रहा है। तो दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। दूसरा ये होता है कि वो उसमें बर्ड जो है गंदा पानी पीते हैं। वो आपने देखा होगा अगर हम छोटे छोटे अगर ड्रिंकर भी लगाते हैं तो ड्रिंकर में भी बर्ड जो है पैर रख के खड़े हो जाते हैं या फिर उसमें मिट्टी डाल देते हैं या बुरादा डाल देते हैं। तो उस प्रकार से मतलब बर्ड तो है एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उसके कारण जो है पानी गंदा हो जाता है तो बर्ड गंदा पानी पिएगा। मान लीजिए किसी बर्ड को लूज मोशन लगा हुआ है और उसमें ने जो है ड्रिंकर में जाके लूज बीट कर दिया, तो अब वो जो दूसरे 50 बर्ड पानी पी लेंगे उसमें से, तो जो बर्ड स्वस्थ थे उनको भी जो वो समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों, ऑटो ड्रिंकर जो है एक प्रकार से हमारे लिए एक बीमारी वाहक का कार्य करते हैं। क्योंकि उसमें जो है पानी गंदा पानी बर्ड पीता है, गंदा पानी अगर पिएगा तो बर्ड बीमार होगा ही होगा। क्योंकि हम उसमें जब पानी जब डालते हैं तो वाटर सैनिटाइज करते हैं, दवाई भी व्यवस्थित तरीके से डालते हैं, और फिर अंदर जब ड्रिंकर में चला जाएगा वो वहाँ पे हम कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है दोस्तों फिर हमको यह समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा कि उसको हर बेच में उसको साफ करना बहुत मुश्किल रहता है। एक एक ड्रिंकर को निकालो और उसको बढ़िया तरीके से धो, नीचे से ऊपर से सब जगह से उसको धो, तो दोस्तों वो भी एक समस्या का विषय रहता है। और जिस प्रकार से मैंने आपको जो है मैंने निप्पल सिस्टम कर रखा है, इसकी तुलना में जो है ऑटो ड्रिंकर महंगा आता है। अगर हम इसके अगर कैलकुलेशन अगर देखेंगे, मैं आपको कल एक वीडियो बना के मैं प्रिंट निकाल के लेके आऊँगा कि मैंने मयूरा इंडस्ट्री से जो कोटेशन बुलवाया और ऑटो ड्रिंकर का मैं कोटेशन बुलवाता हूँ और दोनों का मैं कैलकुलेशन करके बताऊँगा कि कौन सा आपको सस्ता पड़ रहा है। तो दोस्तों, ऑटो ड्रिंकर अगर निप्पल सिस्टम की तुलना में देखें तो
महंगा पड़ता है। दूसरा, अगर मान लो उसमें मेंटेनेंस भी निकलता है, मेंटेनेंस कैसे, ये जब बर्ड जब बड़े हो जाते हैं तब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, वो पाइप जो बेल रिंगर जो रहते हैं उसके पाइप के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको निकाल देते हैं। कभी कभार क्या ऐसा मेरे साथ में बहुत बार हुआ कि रात में जो है एक नली भी अगर निकल जाती है तो पूरे टंकी का पानी जो है पूरे फार्म में खाली हो जाता, कभी कभी तो आधा फार्म गीला हो जाता था क्योंकि वो नली रात भर में जो पानी निकल गया पूरे फार्म में हो जाता था। तो दोस्तों ऐसा मेरे साथ में कई बार हुआ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें मेंटेनेंस भी निकलता रहता है। अब दूसरी ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि और ऑटो ड्रिंकर का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक अगर हम माने तो वो अपडेट नहीं है। अपडेट इन द सेंस कि उसका यूज़ जो है हम एक सिर्फ ओपन सेट तक ही कर सकते हैं, हम इसी सेट में नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है इसी सेट के लायक बना हुआ ही नहीं है, वो डिजाइन है ही नहीं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि आप ऑटो ड्रिंकर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके ड्रॉबैक क्या है। उसका जो एक ही फ़ायदा ये है कि वो एक ईजीली अवेलेबल है, उसको इंस्टॉल करना आसान है और उसमें पानी गर्म नहीं होता, किंतु वो सिर्फ गर्मी के समय की क्वालिटी है, बाकी ठंड और बरसात में जो है पानी जो है चाहे निपल ड्रिंकर हो उसमें पानी गर्म नहीं होता। मैं पिछले 3 साल से निपल ड्रिंकर के साथ में फार्मिंग करते आ रहा हूँ, मुझे उसमें किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हुई कि पानी गर्म करने की समस्या गर्मी के समय में आई किंतु बरसात या ठंड के समय में कभी नहीं आई, और वो ओपन फार्मिंग में आई। बाकी इसी फार्मिंग में तो चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो इसमें पानी गर्म नहीं होता, ये तो इसी फार्मिंग के लिए तो परफेक्ट तरीके से ही बना हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ऑटो ड्रिंकर लगाना है तो उसकी खासियत और उसकी कमी वो मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों।